हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन बांसुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 6 के गणित विषय में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 10.3 जो थी क्षेत्रफल से संबंधित। तो आज हम ये दो क्वेश्चन हल करने वाले हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है पहले कि 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार भूखंड है और भूखंड पर रुपए 8 प्रति 100 वर्ग मीटर यानी प्रति 100 वर्ग मीटर पर कितने रुपए 8 रुपए की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी 100 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 8 रुपए, तो हमें टोटल खर्चा ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए हल करेंगे पहले किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर? इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आयताकार भूखंड है तो टाइल का लग रही है, इसके अंदर की साइड इस तरीके से लग रही है, ठीक है। तो हमें इसके पहले तो हमें निकालना है कि टाइल कितने एरिया में लगी है, ठीक, यानी टोटल कितने एरिया में कितने क्षेत्रफल पर ये टाइल लगी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, आयत का क्षेत्रफल। क्लियर? फिर हमें क्या निकालना है, खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी दी गई है हमें, 500 मीटर। क्लियर है? तो चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है 200 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करना है कि कितने क्षेत्रफल पर यह टाइल लगी हुई है। देखा, यहां से भी हमें समझ में आ रहा है, यहां पर 100 वर्ग मीटर का खर्चा 8 रुपए, इसका मतलब वर्ग मीटर किसकी इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई होती है। क्लियर? तो यहां से भी हमें समझ में आ रहा है कि हमें आयताकार भूखंड का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 500 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है 200 मीटर। क्लियर? जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख दिया है, गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 4 0। क्लियर? यानी कितनी आ गई, 100,000 वर्ग मीटर। क्लियर है? टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास, 100,000 वर्ग मीटर। यानी 100,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में क्या लगी हुई है, टाइलें लगी हुई है। तो हम क्या निकाल देते हैं अब खर्चा। तो देखिए 100 वर्ग मीटर का दिया हुआ है, 1 वर्ग मीटर का नहीं है, कहीं डायरेक्ट आप 8 की इससे गुणा कर दें क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किसका दे रखा है, 100 वर्ग मीटर का। तो देखिए चूंकि 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर या भूखंड पर, कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पे क्षेत्र लिख लीजिए या भूखंड, क्षेत्र पर टाइल लगाने का व्यय यानी खर्चा कितने रुपए है, 8 रुपए। तो देखिए हमें कितने रुपए निकालना है, 100,000 वर्ग मीटर का। कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास 1 वर्ग मीटर क्षेत्र पर टाइल लगाने का खर्चा होगा। तो इसलिए सब क्या निकालेंगे पहले, तो यहां पर आ गया, ठीक है। अब इसको यहां पे नेक्स्ट यहां पे कर देते हैं, इधर तो देखिए इसलिए 1 वर्ग मीटर क्षेत्र पर टाइल लगाने का व्यय, देखिए ज्यादा का दिया गया है और 1 का पूछा जाए तो हम क्या दे देते हैं, भाग। तो 8 में किसकी भाग लग जाएगी, 100 की, कितने रुपए हो जाएंगे, 8 बटे 100 रुपये। और हमसे अब 1 वर्ग मीटर का आ गया, अब हमें निकालना किसका है, 100,000 वर्ग मीटर का। तो इसलिए 100,000 वर्ग मीटर
क्षेत्रफल टाइल लगाने का व्यय कितना हो जाएगा, एक का 8/100 है तो एक वर्ग मीटर का जितना खर्चा है उसके किससे गुणा कर दें, 1,00,000 से। 8/100 गुणा 1,00,000, क्लियर। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी तो क्या आया, 8 × 1,000 बराबर कितने रुपए आ गए, 8,000 रुपये। तो देखिए टोटल खर्चा अपने पास कितना आ गया है, 8,000 रुपये। क्लियर, जब क्वेश्चन में क्लियर कहा था कि भूखंड पर क्या लग रही है, टाइल लग रही है, तो हमें तो सबसे पहले तो ये ज्ञात करना था कि कितने क्षेत्र पर, कितने वर्ग मीटर क्षेत्र पर टाइल लगी है। तो हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया तो हमें पता चला 1,00,000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर टाइल लगी है। फिर इसका हमने क्या निकाल लिया है, खर्चा निकाल लिया है। क्लियर आपको, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझे आप इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई दे रखी है 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर इकाइयां समान नहीं है तो सबसे पहले हमें इकाई समान करनी होगी। और यहां पर ध्यान देना, वर्ग मीटर पूछा है कालीन, तो हमें सेंटीमीटर को किसमें बदलना होगा, मीटर में। क्लियर, देखिए कमरे की लंबाई दे रखी है, पहले तो जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं, कमरे की लंबाई बराबर कितनी है, 4 मीटर और चौड़ाई बराबर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 3.50 मीटर है, 3.5। कैसे बदलेंगे देखिए आपको यहां पे समझा देता हूं। देखिए 3 मीटर तो पहले ही है तो 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा 3 मीटर, और 50 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो आपने पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। अब 50 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो देखिए 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, और कितने सेंटीमीटर का पूछा है, 50 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 50/100 सेंटीमीटर। अब इसमें 10 मिनट लगाओगे तो 10 मिनट दौर पहले लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 मीटर + 10.50 मीटर, कितना आ जाएगा, 3.50 मीटर, या 3.5 भी आप बोल सकते हैं इसको। क्लियर, ये तो हमने अभी लंबाई और चौड़ाई का ही काम किया। अब देखिए कमरा है, अब कमरे का ये फर्श हो गया तो इस फर्श को पूरे को ढक रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब कमरे के अंदर की बात हो रही है, अंदर के क्षेत्र की बात हो रही है, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, इस कमरे का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का हमें यहां से भी समझ में आ रहा है कि वर्ग मीटर कालीन पूछ रहा है, और वर्ग मीटर किसकी इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई होती है। तो हमें क्या निकाल देंगे, इस कमरे का क्षेत्रफल, कमरे की फर्श का, तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, देखो फर्श को ढकने के लिए आवश्यक कालीन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल, कमरे की फर्श का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। और कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई अपने पास ही, जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई है वही फर्श की लंबाई और चौड़ाई है, तो क्या हो जाएगा सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई किसमें होती है, आयत में होती है, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बराबर लंबाई क्या है, 4 मीटर × 3.50 मीटर, गुणा कर दो, देखिए 0, 5 × 20 हासिल, 2, 4 × 12 = 14। अब दो अंक पहले दशमलव था तो यहां पर भी दो स्थान पहले क्या लगा देंगे, दशमलव, तो 14.00 वर्ग मीटर, और 14.00 को देखो दशमलव के बाद केवल जीरो है तो हम दशमलव को हटा सकते हैं आराम से, दशमलव के बाद इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं 14 वर्ग मीटर।
तो क्लियर क्लियर हम क्या कहेंगे, कहते हैं कमरे की फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी, 14 वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।